Let's begin the next class. Last class, we have already learned about the use of this, that, these and those. Did you study at home? Okay, good. आज भी हम इसे related कुछ exercise करेंगे, ठीक है? Please take page number 30. This and that. This is used for near. Past के लिए this use करते हैं और that is used for far. Far means दूर. दूर के लिए that use करते हैं, ठीक है? Look at the pictures and complete the following sentences. Picture दिया है, हमको ये sentence complete करना है, ठीक है? This is a chair. This is a chair. That is a table. That is a table. ये पास की चीज़ है और ये दूर की चीज़ है, ठीक है? पास है तो हम this use करेंगे और दूर है तो हम that use करते हैं. Understood? ठीक है. Next one. This is a pen. P-E-N. Pen. That is a pencil. P-E-N-C-I-L. Pencil. That is a pencil. Now, this is a bulb. Next one. Look at the picture. Yes, bulb. This is a bulb. That is a fan. That is a fan. Next one. This is a dog. This is a dog. That is a cat. That is a cat. This is a door. That is a window. आया समझ में सबको? चलो we will see once again. This is a chair. This is a chair. That is a table. What is the spelling of chair? C-H-A-I-R. Chair. Then table. T-A-B-L-E. Table. This is a chair. That is a table. Then what is this? Yes, pen. This is a pen. किसे बोलेंगे हम सेंटेंस में? This is a pen. Then दूर है तो? Yes, that is a pencil. Pencil दूर है, है ना? तो हमने किसे बनाया सेंटेंस? दैट यूज़ किया है ना? दैट इज ए पेंसिल. दैट इज ए पेंसिल. देन नेक्स्ट वन. दिस इज ए बल्ब. बल्ब पास है और फैन दूर है, इसलिए हमने यहाँ दिस यूज़ किया और दूर के लिए दैट यूज़ किया है, ठीक है? दिस इज ए बल्ब. दैट इज ए फैन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन. This is a dog. Dog पास है और cat दूर है, है ना? This is a dog. That is a cat. That is a cat. Now, this is a door. Door पास है. That is a window. Window दूर है, तो हमने that use किया है, ठीक है? समझ में आया? This और that के use, this पास के लिए और that दूर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? Now next page, page number 31. जैसे हमने page number 30 किया है, वैसे आपको page number 31 घर पे लिख कंप्लीट करना है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है. Now take page number 32. That and those. Read the sentence and circle the correct picture. वाक्यों का पढ़ना है और सही चित्र को सर्कल करना है. दैट इज ए पेन. कौन सा है सही? यस, फर्स्ट वाला है ना. दैट इज ए पेन. एक पेन के बारे में बताया है, ठीक है? इसी तरह आपको नीचे का भी करना है. दोस आर बुक्स. दोस आर बुक्स. बहुत सारे बुक्स में बुक्स के बारे में बताया है, तो कौन सा सही है? यस, ये वाला है ना. Those are books. Now, next one. That is a cup. That is a cup. ये cup के बारे में बताया है ना? तो कौन सा सही आएगा? ये वाला. ठीक है? Now, next one. Those are bulbs. यहाँ देखो, those भी use किया है और यहाँ
बल्ब में यस भी लगाया है, यस कब लगाते हैं हम, जब बहुत सारे चीज़ लगते हैं, है ना। तो कौन सा पिक्चर आएगा सही, यस ये वाला, इसमें टू बल्ब्स है और इसमें एक ही है ना, दो सार बल्ब्स, तो कौन सा सही आएगा, ये वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज ए डॉग, दैट इज ए डॉग, कौन सा है, इसमें वन डॉग है और इसमें बहुत सारे डॉग्स है, तो कौन सा सही है, यस ये वाला, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, दोस आर कैट्स, दोस आर कैट्स, कौन सा है सही, ये वाला सही है या ये वाला सही है, यस ये वाला सही है ना, क्योंकि इसमें टू कैट्स है और इसमें वन है ना, दोस आर कैट्स, ये वाला सही है, वेरी गुड। Now take page number 33. That and those. Look at the pictures and write the sentences using that and those. That and those use करके हमको sentence लिखना है या sentence बनाना है या हम side में picture दिया है, ठीक है, picture समझ के that और those use करके हमको sentence बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज दैट इज ए कार, एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज ए कार, इसमें एक है तो हमने दैट यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट सेकंड वन आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे हम, इसमें पिक्चर देखो, कितना बुक है इसमें, यस वन टू थ्री, थ्री बुक्स है, तो हम दूर है पर एक से ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यस दोस यूज़ करेंगे, ठीक है, टी एच ओ एस सी दोस, देन दोस के बाद क्या आएगा, आर, गुड, ए आर ए आर, ना बुक्स का स्पेलिंग लिखना है, बी डबल ओ के एस बुक्स, बहुत सारे है तो एस लगाना है, ठीक है, दोस आर बुक्स, अंडरस्टूड। नो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, व्हाट इज दिस, यस पेन, कितना पेन दिया है, यस वन दिया है, दूर है पर एक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, यस दैट, टी एच ए टी दैट, दैट, देन दैट के बाद इस लगाना है, दैट इज ए पेन, क्योंकि एक पेन है ना, तो हमको दैट इज ए पेन लिखना है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, दोस्त के बाद आर लगाना है और दैट के बाद इस लगाना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, व्हाट इज दिस, यस कैट्स, है ना, बहुत सारे कैट्स है यहाँ, तो हम किसे लिखेंगे सेंटेंस, यस दोस, टी एच ओ एस सी दोस, दोस आर कैट्स, दोस आर कैट्स, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, क्या है ये, डॉग, व्हाट इज दिस, डॉग, टी एच ए टी दैट इज ए डॉग, दैट इज ए डॉग, दूर है पर एक है, तब हमने क्या यूज़ किया है, दैट यूज़ किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस, यस डॉल्स, है ना, बहुत सारा है तो हम दोस लगाएंगे, दोस आर डॉल्स, दोस आर डॉल्स, ठीक है, बहुत सारे है और दूर है तो हम दोस यूज़ किया है और दोस के बाद क्या लगाना है, आर लगाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस, यस रिंग, कितना है, कितना रिंग है, यस वन है, तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, दैट यूज़ करेंगे, टी एच ए टी दैट इज ए रिंग, दैट इज ए रिंग, दूर है पर एक है, तब हमने दैट यूज़ किया है, ठीक है, दैट इज ए रिंग, वी विल से वंस अगेन, दैट इज ए कार, दोस आर बुक्स, दैट इज ए पेन, दोस आर cats, that is a dog,
Those are dolls. That is a ring. Understood all of you? ओके अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा है ना. ओके गुड. आपको वीडियो देखे और अच्छे से समझना है और पेज नंबर 28 से 33 तक बुक में कंप्लीट भी करना है और लर्न भी करना है. ओके थैंक यू.